ओम शांति, ओम शांति। मैं नेहा शर्मा, म्यूनसिपल काउंसलर, वार्ड नंबर 5 बल्टाना से। आज मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने वाली हूँ। ब्रह्मा कुमारी एक ऐसा स्थान, एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पे जाते ही मन में इतनी ज़्यादा खुशी और सुख पैदा होता है कि हम अपने आसपास में हो रही कोई भी बुराई को एक बार में भूल जाते हैं। मेरे घर के पास एक ऐसा ही सुंदर और पवित्र आश्रम है जिसे हमारी बहुत ही ज़्यादा प्रिय दीदी तुलसी जी, वो वहाँ पे आश्रम को चलाती हैं। जैसा ही उनका नाम है तुलसी, वैसे ही उनके विचार हैं। हमें वो बहुत ही प्यार से जीवन का मार्गदर्शन सिखाते हैं। मार्गदर्शन इस चल रहे जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी बुराइयाँ, जो भी कुछ ज़िंदगी में होता है, उनके आश्रम में जाने से एक मन में एक ऐसी पवित्रता, एक ऐसी लहर आ जाती है कि हम अपने आसपास कुछ भी हो रहा हो, हम सब कुछ भूल जाते हैं। मेरी मदर इन लॉ वो रोज़ वहाँ पे जाती है। उनके साथ कभी कभार मुझे भी जाने का मौका मिल जाता है। मुझे जब भी बुलाया जाता है, जब भी मेरा सौभाग्य होता है, मैं वहाँ पर जाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कोई भी अच्छा कार्य, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, मैं वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ। एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पे आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत कुछ चलता है, एक परमात्मा के दर्शन वहाँ पे एक ही स्थान पर हो जाएं और ऐसी दुनिया में इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमारे परमात्मा को अगर हम इसी रूप में मिल लें, अगर हमें यहाँ पर ही उनके दर्शन हो जाएं, तो हमारी ज़िंदगी इसी जीवन में आगे बढ़ जाती है। हम अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार दे पाते हैं। जैसे कि मेरे दो बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे बहुत छोटे हैं, वो अपनी दादी के साथ वहाँ तुलसी दीदी जी के आश्रम में रोज़ जाते हैं। जैसा ही उनका नाम है, जैसा आश्रम है, वैसे ही मेरे बच्चों में संस्कार आते हैं और मैं हमेशा से ही उनकी ऋणी रहूँगी कि शायद जैसा हमारा काम है, मैंने आपको बताया कि मैं एक काउंसलर हूँ, तो ज़िंदगी में बहुत काम होते हैं, हम अपने बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते, तो इसी कारण मेरे बच्चों का जो भविष्य है, जो उनके अंदर संस्कार है, वो वहाँ पे जाने से बहुत अच्छे हो जाते हैं। मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, जिससे मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है जब बच्चे आके अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे जाने का मेरे साथ आके शेयर करते हैं। मैं तुलसी दीदी जी का तह दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि परमात्मा कहते हैं, हम क्या लेकर आए थे और हम क्या लेकर जाएंगे, जो है यही रह जाएगा, यही छोड़ के चले जाएंगे। हमारे संस्कार, हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि रहती दुनिया तक या हमारे जाने के बाद भी हमें इस दुनिया में याद किया जाए एक अच्छे कर्मों के साथ, ताकि हम यहाँ पे एक अच्छा काम करके गए हैं, एक अच्छा लोगों को संदेश दे के गए हैं। तो ये सारा कार्य यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में वहाँ पे बहुत अच्छे से किया जाता है। तो मैं तुलसी दीदी जी का तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ और मैं समय मिलने पर उनके पास जाती भी हूँ और बहुत अच्छे संस्कार, हमें परमात्मा से मिलन सब कुछ वहाँ पे मिलता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें बाबा जी से मिलन करवाते हैं। बाबा जी जिनके बारे में मैं सच बोलूँ तो मैं ज़्यादा नहीं जानती, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जब भी मैं उनको देखती हूँ, उनकी फ़ोटो की तरफ देखती हूँ, तो एक माथे के ऊपर एक तेज़ रोशनी सी प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी का सारा सुख ही हमें मिल गया हो। ऐसा लगता है ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ चल रही हो, वो सारी एक ही दम से ख़त्म हो चुकी हो। तो मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो मैं आश्रम में जाके थोड़ी देर समय व्यतीत करती हूँ और मेरी सारी परेशानियाँ उसी टाइम गायब हो जाती है। ओम शांति।